वेलकम बैक गाइस। सो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेल्टिंग वर्ल्ड इमेज से जुड़े सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले तो आपको बता दूं, तो आपने 22 तारीख को 1 बजे से पहले स्पिन किए थे, अगर आपने येस कर दिया तो आपके रिवॉर्ड गायब हो जाएंगे, बट आपके जो वॉल्ट में आइटम थे वो भी वापस आ जाएंगे, जो कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बंडल थे आपने गलती से डिलीट कर दिए वो वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों 22 तारीख के बाद में आपने जो स्पिन करे और अपने बंडल डिलीट करवा दिए वो वापस आपको नहीं मिलने वाले, चाहे आप येस करो नो करो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने येस किया था अभी आपको बता दो, तो उनके बंडल अभी रिमूव हो चुके हैं, मेरे तो नहीं हुए वैसे, क्योंकि दोस्तों मैंने 22 तारीख से पहले जो स्पिन किया था उसमें मेरे को गन क्रेट के अलावा कुछ मिला ही नहीं था। और इस इवेंट में लगभग मैंने सारे रिवॉर्ड ले लिए थे, आपको रिवॉर्ड जो तो मैंने क्या क्या ले लिए थे। सो गाइस यहाँ पर पूल प्राइस में चलते हैं, यहाँ पर मैं दिखा दे दूँ, बंडल ले लिया, इमोट ले लिया, कटाना नहीं ली मैंने, साइड की स्किन ले ली, और इसके अलावा ये फालतू के नीचे के सारे रिवॉर्ड मेरे को मिल गए थे बाइक को छोड़ के, मतलब बाइक की स्किन तो मुझे चाहिए थी बट ये नहीं मिली मेरे को, बट ये मेरे को नहीं मिली। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी है, बंडल क्रिएट वगैरह वगैरह, आउल पेट मेरे पास नहीं है, बाकी सारा कचरा तो आ चुका है। और इसके अलावा मेरे को 2 गन की स्किन परमानेंट मिल गई, एक तो होगी हमारी चार्ज बस्टर की स्किन, इसके अलावा हमारी होगी किंग फिशर, काफ़ी ज़्यादा ओपी लगी मुझे चार्ज बस्टर की, बट किंग फिशर की है टाइम पास वाली, तो वो बंडल साफ करनी चाहिए जो कि आपके इनकम्प्लीट है, क्योंकि दोस्तों कलेक्शन वर्सेस भी करोगे ना, बंडल का एक चश्मा भी या जूता भी गायब हुआ ना तो आप कलेक्शन वर्सेस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने उन्हीं बंडल को गायब किया था जो कि इनकम्प्लीट थे, उसमें एक भी चीज़ गायब थी तो मैंने उनको गायब कर दिया पूरा परमानेंटली, उसके बदले मेरे को बहुत सारे रिवॉर्ड मिल गए जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इसी प्रकार से आप भी करना है, बस कचरे को गायब करना है, अपने अच्छे अच्छे बंडल को मत कर देना। इसके अलावा दोस्तों मैंने सारे स्केट बोर्ड को जो भी उसमें दिखाई दे रहे थे वो गायब कर दिया। बात करें पैराशूट की, तो वहाँ से मैंने सारे पैराशूट को गायब कर दिया था, और यहाँ पर बात करें तो फिर भी 23 बचते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर सारे पैराशूट नहीं दिखाया जाता, कुछ इवेंट वाले यहाँ पर बच जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। सो गाइस अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपने यस किया था या नहीं किया था। मेरे ख्याल से भाई आपने यस नहीं किया होगा क्योंकि आप समझदार बंदे हो, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। थैंक यू।